चाय के अंदर टेस्ट आता है वो मौसम से आता है, ये बात समझने की। मौसम का ही सारा खेल है। यानी कल मैं किसी भी तरीके से चाय यहाँ पर अपने ग्रीन हाउस में लगा दूँ और उसको उगा दूँ, हो जाएगी, लेकिन टेस्ट नहीं देगी। वो सब कुदरती जो नेचुरल सिस्टम है उसकी वजह से, उसकी इम्पोर्टेंस है। ये बात इतनी समझ नहीं। इस एरिया पर आसाम सबसे बेस्ट और इधर दार्जिलिंग सबसे बेस्ट, दोनों ही हिल्स एरिया हैं और दोनों ही ठंडे एरिया हैं। तो अपर आसाम में तीन बेल्ट, जब आप अपर आसाम के लिए एंट्री आप करते हो तो आपने देखना है कि मुझे मुझे कहाँ जाना है। अब अपर आसाम के जो कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं वो भी आपको बताना ज़रूरी है कि इसमें कौन कौन से मेन डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जो वहाँ के बैग्स आते हैं जिसको आप खरीदते हो, जो 25 किलो का होता है, 26 किलो का होता है, उस बैग पर वहाँ का एड्रेस मेंशन होगा इन डिस्ट्रिक्ट का, तो उससे भी आप समझ पाएंगे कि ये माल अपर आसाम का है। जैसे कि हम लोग सबसे पहला जो डिस्ट्रिक्ट है उसको बोलते हैं डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ डिब्रूगढ़ जी, डिब्रूगढ़ के बाद दूसरे नंबर पर हम लोग लिखेंगे इसके अंदर तिनसुकिया। तिनसुकिया तिनसुकिया जी। नंबर सी पर हम लोग लिखेंगे जोरहाट। नंबर चौथे नंबर पर हम लिखेंगे गोलाघाट। गोलाघाट आज तक भी जोरहाट। पांचवे नंबर लिखेंगे हम शिवा सागर गोलाघाट जी। गोलाघाट, गोलाघाट अपने आप में एक ऐसी रेपुटेड जगह है कि जब आप चाय परचेज करने जाएंगे किसी व्यापारी के पास यहाँ पे जयपुर में, तो वो आपसे ऐसे बोलेगा, बाबा ऐसा गोलाघाट की चाय है, ऐसे माल रखते हैं कि गोलाघाट का माल पड़ा हुआ, जोरहाट का माल पड़ा हुआ है, तिनसुकिया का पड़ा हुआ है, तो ये फेमस जगह है, इनके नाम है, इनके सिक्का चलता है। तो ये वो जगह है, जब यहाँ पर आप जाएंगे तो चारों तरफ आपको चाय के गार्डन छिपे पड़ेंगे, और उनकी जो लुकिंग है, उनका जो चाय का जो मतलब पत्ता है उसके ऊपर जो शाइनिंग है वो कमाल की है। आप दार्जिलिंग में जाएंगे, पंगोल में जाएंगे, जो वहाँ की है उसका अलग ही है, लेकिन वो जो अलग है उसका शाइनिंग अलग है। आप वहाँ जाकर ऐसा फील करें कि यहाँ से जाने ही नहीं होना।